बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज हम करने वाले हैं डर्माकॉस के हेक्सागोनल क्लेंजर का रिव्यू। इसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मौजूद थी और कल हमने किया था वाइटामिन ई कैप्सूल्स का रिव्यू। ये बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी स्किन के लिए। आपने अगर इसका रिव्यू नहीं देखा है, चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो इसकी वीडियो को वॉच करने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसको वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है डर्माकॉस का क्लेंज़र, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो में करेंगे हम 5 स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले करेंगे हम अनबॉक्सिंग। नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगी बेनिफिट्स के बारे में, नंबर 3 पे बताऊंगी इसके प्राइस, और नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगी इसके यूजेस के बारे में, और नंबर 5 पे आपको बताऊंगी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और शुरू करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है इस तरह की पैकेजिंग में डर्माकॉस का क्लेंज़र। इस तरह की पैकेजिंग में भी आता है और ये इससे बड़ा भी आता है, और इसकी एक और बड़ी पैकिंग भी मौजूद है। तो अब इसको खोलते हैं कि ये अंदर से कैसा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 स्पून मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर मैंने आपको करके बताई इसकी अनबॉक्सिंग। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ और आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चेहरे को साफ सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है। जिस तरह का हमारा माहौल है, यानी कि धूल, मिट्टी, धुआं, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हमारे फेस को करती हैं ख़राब। और हमारा फेस किस तरह से ख़राब होता है, हमारे स्किन के ऊपर हो जाते हैं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कील निकल आती हैं, मुहासे निकल आते हैं। बहुत सारे लोगों के तो मेन प्रॉब्लम होती है पिंपल्स। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ज़रूरी होता है हमारी स्किन को रखना साफ़ सुथरा। तो हमारी स्किन की सफाई के लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा क्लिंज़र। अगर हमारे पास एक बेस्ट क्लिंज़र हो जो कि केमिकल से बिल्कुल फ्री हो, तो वो हम आप जानते हैं रेगुलरली नाइट में यूज़ कर सकते हैं, रूटीन में रेगुलरली। क्योंकि अगर आप जब तक अपने फेस को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, तो हमारे स्किन को कैसे हम बीमारियों से बचा सकते हैं, यानी कि पिंपल से बचा सकते हैं, कील मुहासों से बचा सकते हैं, हमारी स्किन पे एलर्जी हो जाती है, उससे हम अपने फेस को किस तरह से बचा सकते हैं। तो क्लिंजिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे फेस के लिए, हमारे फेस की केयर के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप डर्माकॉस का जो है वो क्लिंज़र यूज़ करें। आपको चाहिए कि आप कोई भी ऐसा नेचुरल क्लिंज़र भी घर में बना सकते हैं, या कोई ऐसी कंपनी का आप यूज़ कीजिए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हो और केमिकल से फ्री हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि केमिकल्स तो तमाम प्रोडक्ट्स में होते ही हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के सजेशन के मुताबिक अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके सजेशन के मुताबिक क्लिंज़र को अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। क्योंकि क्लिंज़र आपके स्किन की सफाई करता है और आपके स्किन के ऊपर जो धूल मिट्टी होती है, धुआं होता है और ऑयल जो होता है आपके स्किन का, वो सब उन चीज़ों को रिमूव करता है। क्लिंज़र के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप रूटीन में इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको ना पिंपल्स होंगे, ना दाग धब्बे होंगे आपको, ना कील मुहासे होंगे, और ना ही आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आएगा। जिन लोगों की स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो उससे क्लिंज़र से वो रिमूव हो जाता है। और याद रखिए कि अपने फेस को 3 से 4 बार ज़रूर धोइए, चेहरे को ज़रूर धोएं अपने फेस को। अगर आप डस्ट, मिट्टी वगैरह से बचाना चाहते हैं, अपनी स्किन की हिफाज़त करना चाहते हैं, तो 3 से 4 बार अच्छे सोप या फेस वॉश से ज़रूर धोइए। ऐसे बहुत से फेस वॉश हैं जिनके मैं रिव्यू कर चुकी हूं, और सोप के रिव्यू चाहें तो आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उनके रिव्यूज़ को वॉच कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स के क्लिंज़र हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। क्योंकि क्लिंज़र हमारी स्किन की तमाम गंदगी को रिमूव करता है और हमारी स्किन को बनाता है फ्रेश। और हर कोई यही चाहता है कि रात में अगर आप क्लिंज़र करो तो सुबह में आपका चेहरा जो है वो फ्रेश फ्रेश नज़र आए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इसके फ़ायदे। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ और आपको बताते हैं कि इस क्लिंज़र की छोटी पैकेजिंग की प्राइस क्या है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 ग्राम्स लिखा है, ये 200 ग्राम्स का है और ये आपको इजीली मार्केट में 350 रुपीज़ में मिल जाएगा। 350 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं होगा क्योंकि 350 रुपीज़ में मैंने भी इसे परचेज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपली इसकी प्राइस बता दी है। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ और आपको बताते हैं कि क्लिनज़र को इस्तेमाल किस तरह से करना होता है। यहाँ पर जो मेरे पास डर्माकॉस का क्लिनज़र है, इसको तो आप अगर यूज़ करते हो तो हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मार्केट से आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं तो वो हाई अमाउंट ऑफ केमिकल से भरा होता है। उसके अंदर केमिकल इतना ज़्यादा होता है कि आपके स्किन, अगर आप इसे रोज़ भी इस्तेमाल करते हो, अच्छा रिज़ल्ट आपको ये दे देता है, लेकिन बाद में जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको होना शुरू होते हैं। लेकिन डर्माकॉस एक अच्छी कंपनी है, इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं फेशियल के हवाले से, लेकिन इस क्लिनज़र को आप रेगुलरली रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हफ़्ते में एक बार या हफ़्ते में दो बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलरली इसे यूज़ ना कीजिए, हफ़्ते में दो बार इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनजिंग तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई होममेड भी क्लिनजिंग करेंगे तो वो आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात आती है इसको इस्तेमाल करने के तरीके की, किस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपली हमें इसको आराम, जिस तरह से हम लोग फेस के ऊपर कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं या कोई लोशन अप्लाई करते हैं, उस तरह आपने अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है अपने फेस की, अपनी नोज़ की, अपनी चिक्स की, स्लो स्लो मोशन, बिल्कुल स्लो स्लो हाथों से आपने जो है मसाज करनी है, कम से कम 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद जो है आपने अपने चेहरे को धो लेना है। और याद रखिए, जब भी आप क्लिनज़र करें, क्लिनज़र को जब आप फेस धोएं, ठंडे पानी से आपने इसको चेहरे को धोना है, क्योंकि ठंडा पानी आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बेनिफिशियल है। ठंडे पानी से ना आपको कभी पिंपल्स निकलेंगे, ना आपके कभी पोर्स ओपन होंगे, आपको पोर्सेस की शिकायत भी कभी नहीं होगी। और याद रखिए कि ठंडा पानी आपके स्किन के ऊपर जो है वो आपके स्किन को रिलीफ भी पहुँचाता है, और अगर आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं तो वो भी ठंडे पानी से जो है आपको एक सुकून सा महसूस होता है, स्किन पर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप के स्किन के ऊपर पिंपल्स वगैरह हैं, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हो तो पोर्सेस होने का भी खतरा होता है। तो सिंपली मैंने आपको बताया इसके इस्तेमाल करने का तरीका, 2 से 3 बार आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और मैंने रेगुलरली आपको इसको यूज़ नहीं करना, अगर आप कोई होममेड इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया इस्तेमाल का तरीका सिंपल। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ और आपको बताते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्लिनज़र हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और साथ ही साथ अगर आप किसी अच्छी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। और नंबर 3 पे मैं आपको ये बता दूं कि आपकी स्किन के ऊपर जो आपके स्किन को सूट करे, आप उसी कंपनी का क्लिनज़र यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप डर्माकॉस का यूज़ कीजिए, अगर मैं यहाँ डर्माकॉस की तारीफ़ कर देती हूँ तो आपने डर्माकॉस का इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं करना। जो आपके स्किन के लिए बेस्ट हो आप वो चीज़ यूज़ कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको जो रिकमेंड करे क्लिनज़र वो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्यूटी क्रीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्लिनज़र आपके स्किन के लिए, क्योंकि क्लिनजिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हमारी स्किन के लिए। आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे नहीं आते, पिंपल्स नहीं आते, कील मुहासे नहीं आते, जब आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो आपकी स्किन फ्रेश भी रहेगी हमेशा, और ख़ूबसूरत भी नज़र आएगी और हेल्दी भी रहेगी। तो क्लिनज़र के उस सूरत में नुकसान हो सकते हैं जब आप कोई ऐसी कंपनी का या कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर केमिकल्स ज़्यादा हैं और आपको सिर्फ वक्ती तौर पे फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि आपकी स्किन जो है वक्ती तौर पे फ्रेश हो रही है, आपकी स्किन जो है वाइट हो रही है, वो सिर्फ वक्ती तौर का होगा। लेकिन आपने कुछ कोई ऐसी चीज़ का इंतखाब करना है जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट हो, तो आपने अगर आपका कोई डॉक्टर हो तो आपने उससे मालूम करना है कि आपको कौन सा जो है वो यूज़ करना चाहिए, वो आपके स्किन को देख कर, आपके स्किन टोन को मैच कर वो आपको रिकमेंड करेगा, फिर वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लिनज़र आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो क्लिनज़र का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है रूटीन में। आप रेगुलर नाइट में इस क्लिनज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास बेस्ट कंपनी का क्लिनज़र है तो। और अपनी स्किन के ऊपर टोनिंग ज़रूर किया करें, और टोनिंग के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि एलोवेरा का इस्तेमाल करें रोज़ वाटर के साथ, उससे अपनी स्किन के ऊपर टोनर करें, दोनों को मिक्स करके टोनर करें, आपके स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप एलोवेरा जेल का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने उसके बारे में बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ सिंपली इसके 5 स्टेप्स,
इंशाल्लाह कल हम करेंगे गोरी डे एंड नाइट का रिव्यू. इतनी सारी रिक्वेस्ट इसकी मौजूद हैं मेरे पास, इतने लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो इंशाल्लाह कल हम इसका रिव्यू करने वाले हैं. अगर आप इसके रिव्यू को मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन के बटन को, ताकि आप लोगों से आने वाले कोई भी रिव्यूज़ जो है वो मिस ना हो. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि क्लिनज़र हर स्किन की ज़रूरत है. और आप इसे शेयर करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए आपने सदका जारिया का काम किया है और ये बहुत अच्छी बात है. और आपने डर्माकॉस का क्लिनज़र यूज़ किया है तो आपने नीचे फीडबैक हमें लाजमी देना है कि आप लोगों को कैसा लगा, इसका रिज़ल्ट कैसा है. मैंने भी इसे यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसका जो स्क्रब है वो भी बहुत अच्छा होता है. अपकमिंग वीडियोस में वो भी मैं उसका रिव्यू करने वाली हूँ. और आप मुझे साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अगर आपने गोरी डे एंड नाइट क्रीम इस्तेमाल की है, उसको रिज़ल्ट आपको कैसा मिला है, अच्छा मिला है, बुरा मिला है, तो आप मुझे वो भी लाजमी बताइएगा, ताकि जब मैं अपकमिंग वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों के कमेंट के ज़रिए मेरी हेल्प हो सके, मैं उसको भी इंफॉर्मेशन के तौर पर वीडियो में यूज़ करूँ और बहुत सारे लोगों को जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके. तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.